फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं बाजू का डिज़ाइन। बस क्या करना है आपको, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। आप देख सकते हैं दोस्तों बाजू मैंने कटिंग की है, ये देखिए इस तरीके से मैंने 16 इंच की बाजू कट कर ली है। और एक मैंने ये देखिए कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका दी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो ली है मैंने 3 इंच की, ये देखिए 3 इंच की इसकी चौड़ाई ले ली है। और इस कपड़े को मैंने ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके बराबर लिया है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आधा या 1 इंच आपको फालतू लेना है, वो बाद में कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ये देखिए दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी पट्टियां बनाई हुई हैं, ये देखिए, ठीक है। इन पट्टियों को लगाना कैसे है आपने क्या करना है, ये देखिए ये हमारी बुकरम इस तरफ बुकरम लगी हुई है और इस तरफ नहीं लगी हुई, तो आपने ये सीधी साइड है तो क्या करना है, ये देखिए इसके हिसाब से ये आपने थोड़ा सा फालतू कट करना है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फालतू कर ले, इसी हिसाब से सारी पट्टियाँ आपने कट कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं और आपने क्या करना है, ये देखिए इतनी जगह छोड़ते हुए इन पट्टियों को लगा देना है। जरा जरा सा आपने इसमें गैप देना है, थोड़ा थोड़ा सा ही, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। वो इस तरीके से आपने पट्टियों को लगा देना है। ये देखिए इस तरफ सिलाई लगाने के बाद आपने इसे घुमाते हुए यहां पर भी सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों क्या करना है, हमने ये जो फालतू पट्टी हमारे निकल रही है इसे कट कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये ट्रायंगल मैंने तैयार किए हुए हैं और मैंने क्या किया, इसे 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से, 2.5 इंच ऐसे इस पूरे कपड़े को मैंने 2.5 इंच के हिसाब से कट कर लिया है। कट करने के बाद आपने ये देखिए इसे ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर प्रेस कर देनी है। और प्रेस करके ये देखिए मैंने सारे ट्रायंगल यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए एक ट्रायंगल आपने उठाना है और यहां पर इस तरीके से आपने लगाना है, और उसके बाद ये दूसरे ट्रायंगल को यहां से इस प्रकार से, इसी तरीके से दोस्तों आपने सारे ट्रायंगल यहां पर लगा लेने हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इसे पलटते हुए यहाँ पर भी जो फालतू कपड़ा है इसे कट करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए बाजू को आपने इस प्रकार से ऐसे खोलना है, ये देखिए। और ये याद रहे आपको ये वाली उल्टी साइड है, ठीक है, सीधी वाली साइड मैंने नीचे की तरफ की हुई है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए इस डिज़ाइन को आपने ऐसे रखना है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर आपने एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इसे इस तरीके से करते हुए यहां पर आपने स्क्रैच करना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसे हमने ऐसे पलट देना है, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये आपका डिज़ाइन इस तरीके से था, हमने इसे ऐसे पलट दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप एक सिलाई लगा लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस कपड़े को आपने ये देखिए इस तरीके से उठाना है
और यहां पर सिलाई लगानी है। ये देखिए आराम से इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। ये वाला कपड़ा आपने इसके ऊपर ऐसे पलटना है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद आपने क्या करना, ये देखिए ये वाली लेस को हमने यहाँ नीचे लगा देना, ये देखिए बॉटम की साइड में नीचे की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपने, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये देखिए इस ट्रायंगलों को आपने यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए ये देखिए ऐसे करना है, और यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए दोस्तों इसके हिसाब से आपने रिबन की कटिंग कर लेनी है। देखिए दो रिबन लगाने हैं हमने इसके अंदर, इसे लगाना कैसे, ये देखिए आपने इसे ऐसे लगाना है, इसके अंदर डालना है, ठीक है, फिर ऊपर से, फिर ये देखिए इस तरीके से एक पट्टी को छोड़ते हुए इस तरीके से आपने ये डालते जाना है। और ये देखिए एक पट्टी हमने और डालनी है इसके बीच में। अब ये देखिए आपने इसे इस तरीके से सेट कर देना है, और इस जगह पर आपने यहां पे सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं दोस्तों बाजू का डिजाइन हमने बना दिया है। और आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर आप चाहें तो इस तरीके से ये मोती भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिजाइनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।